आपको अच्छा लगता है क्योंकि आप ऐसे इंटीरियर छोटे से कस्बे से आते हैं जहाँ पे उस वक्त पे आपको कुछ पता ही नहीं होता, और जहाँ पे ना तो थिएटर कल्चर होती है ना कुछ ऐसी कोई चीज़ें होती हैं कि भाई, और इसीलिए कोई मेरा कोई ड्रीम था नहीं कोई बॉलीवुड में आने का। और धीरे धीरे बाहर निकले गांव से पढ़ाई करने के लिए, फिर आवारा घूमे काफ़ी, बीच में काफ़ी जी टाइम आ जाता थिएटर देख लिया उस बीच में, तो थिएटर से शौक हुआ कि चलो एक्टिंग की जाए। लेट सोचा मैंने एक्टिंग के बारे में, बहुत सारे लोगों का होता है ना कि बचपन से होता है शौक, मुझे बचपन से बिल्कुल शौक था नहीं एक्चुअली। मैं साइंस का स्टूडेंट था और चीफ केमिस्ट का काम कर रहा था, वहाँ पे जॉब कर रहा था बड़ौदा में। तो वहाँ से जब दिल्ली गया और प्ले देखा मैंने, जब प्ले में देखा, प्ले करते हुए एक्टर को देखा, एक्टर और ऑडियंस के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही अनबिलीवेबल केमिस्ट्री होती है जब एक्टर स्टेज पे होता है और ऑडियंस उसको देख रही होती है। तो मुझे लगा कि ये शायद उससे पहले मैं काफ़ी खाली टाइम था मेरे पास, जॉब की तलाश में, कहीं जॉब मिल रहा है कहीं छूट रहा है, इस तरह के बहुत सारे जॉब भी किए मैंने। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ करनी चाहिए मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था नहीं मेरे अंदर। तो उसके लिए पहले मैंने कम से कम कोई 60 70 80 प्लेज देखे, जिसमें गुजराती प्लेज मैंने बहुत देखे क्योंकि गुजरात में था उस वक्त में। और देखने के बाद मुझे मैंने डिसाइड किया कि मैं यही करूँगा क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है, ऐसा काम है ये, जिसमें किसी की रिकमेंडेशन नहीं चल सकती, मैनिपुलेशन नहीं चल सकता किसी का, कोई जो कर रहा है आपको करना है, तो इसलिए मुझे अट्रैक्ट किया ये। तो लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बाद में आया था, पहले जैसे फिल्मों में शुरुआत की छोटे छोटे रोल की, वैसे थिएटर में भी वैसी शुरुआत हुई थी, पहले एक लाइन का डायलॉग मिला, फिर 2 लाइन का, फिर फाइनली मेन रोल मिला, फिर NSD ज्वाइन कर लिया, फिर बॉम्बे में आ गए। ऐसा था, डिफिकल्ट टाइम था वो, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, बट वो कहने के आपको इनरली स्ट्रांग भी बनाती हैं वो चीज़ें। जब आप सोचो आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप बॉम्बे जैसे शहर में उसके बाद भी 6 महीने तक बिना पैसे के रह सकते हो, तो ये चीज़ ना बहुत कॉन्फिडेंस देती है आप। और उसकी वजह से ये भी हुआ, अगर मेरे पास अगर कभी इसके बाद में पूरा टाइम भी आता है तो मुझे कोई ज़्यादा अफसोस होगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज्ड टू हो चुका था उन सब चीज़ों का, है ना, बिना बिना कोई तामझाम कुछ नहीं था, रिजेक्शंस बहुत हुए, अगर अभी हो भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं मेरे पे, क्योंकि मैं यूज्ड टू हो चुका था उसका। मुझे सरफरोश मिली थी पहली फिल्म, उसमें ये कि हाँ, और उसमें 42nd टू 50 सेकेंड का रोल था उसमें मेरा। तो मतलब ये इसके लिए भी आपको ऑडिशन देना पड़ा ऑडिशन दिया था मैंने दिल्ली जॉन मुंबई जॉन में। जॉन मैथ्यूज़ के घर पे, जो डायरेक्टर थे उन फिल्म सरफरोश के, और मुझे एक्चुअली उमा शंकर पथी के कास्टिंग डायरेक्टर थे, डायलॉग राइटर थे सरफरोश के, उन्होंने वो मेरे एक दोस्त को देख रहे थे, मेरे से पूछा उन्होंने कि वो कहाँ है तुम्हारा दोस्त, मैंने कहा पता नहीं आजकल कहाँ है, शायद दिल्ली चला गया क्या है। तो उन्होंने बोला तुम उसके लिए एक रोल था, चलो वो तो है नहीं तो तुम दोगे ऑडिशन, मैंने कहा मैं दे दूंगा ऑडिशन। तो मैंने फिर उन्होंने मुझे जॉन जॉन साहब के जॉन मैथ्यूज़ के घर पे बुलाया, मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं शूटिंग के लिए गया नेक्स्ट डे और मुझे डायलॉग दे दिए गए, मैंने याद कर लिए डायलॉग, और उसमें SCP राठौर जैसे दूसरे कैरेक्टर था, तो SCP राठौर करके उनके भी डायलॉग थे, तो मैंने ये कौन कर रहा है SCP राठौर, तो बताया नहीं मुझे। तो जब मैंने अपने डायलॉग याद कर लिए तो जब सीन हुआ तो सामने आमिर खान खड़े हुए सामने, जी। तो वो SCP राठौर बने हुए थे, तो जो मैंने याद किए थे डायलॉग सब भूल गया था। हाँ, ब्लैक फ्राइडे में दो तीन सीन, हाँ ब्लैक फ्राइडे में दो तीन सीन थे, वो बहुत अच्छे सिक्वेंस थे वो। और जब वो रिलीज़ हुई, पहले तो बैन हो गई वो काफ़ी टाइम तक, उसके भरोसे बैठे हुए थे हम लोग और वही बैन हो गई, तो 1.5 2 साल तक तो कुछ, मैंने वो रिलीज़ होगी वो उससे कुछ हो जाएगा फिल्म से शायद हो जाए, और किस्मत इतनी मतलब जब ख़राब होती है ना तो हर जगह से ख़राब होती है, आपकी पिक्चर ही रिलीज़ नहीं होती ऐसा होता है। तो यानी जब वो रिलीज़ हुई तो लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया उस कैरेक्टर को, और जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप, और उस वक्त पे बहुत पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हें कोई बड़ा रोल दूंगा। फाइनली फिर उसके बाद देवडी में गाना गाया और बुला लेते, तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने वो रोल दिया, कहानी आई, कहानी आई, तो ये सारी चीज़ें होती चली गई धीरे धीरे। कॉम्पिटिशन मेरा खुद से ही है कि जो मैंने काम किया है उससे अच्छा कैसे कर पाऊंगा अब आगे, है ना, फिर दूसरी फिल्म मिलती है फिर उसमें और अच्छा कैसे हो पाए, इस खुद सबसे बड़ा कंपटीशन आपके अपने खुद से होता है एक्चुअली।